थैंक यू। चलो जी देखो बेटा, अंशों का अधि अभिदान मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए एक कंपनी ने 1 लाख शेयर निर्गमित किए और कंपनी को अभिदान प्राप्त होता है 1,50,000 अंशों का, तो इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब कंपनी के पास दिक्कत ये है कि कंपनी को भले ही एप्लीकेशन ज़्यादा शेयर्स की क्यों ना आ गई हो, कंपनी मैक्सिमम अलॉटमेंट कितने शेयर्स का कर पाएगी? 1 लाख शेयर्स का। कंपनी के पास पहला ऑप्शन ये है कि जितने शेयर्स को वो रिजेक्ट कर सकती है उतने को तो क्या कर दे बेटा, रिजेक्ट। तो ये तो क्या हो गए, इनके एप्लीकेशन को तो क्या कर दिया गया, रिजेक्ट, और साथ ही साथ इनका जो भी पैसा था वो भी कंपनी ने क्या कर दिया बेटे, रिफंड कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि कंपनी के पास अब कितनी एप्लीकेशंस रह गई, 1,20,000। ठीक है बेटा, इस 1,20,000 में से कंपनी क्या करेगी, 1 लाख शेयर्स का तो क्या कर देगी, अलॉटमेंट, और जो एक्सेस 20,000 की एप्लीकेशन आ गई कंपनी के पास उसका पैसा भी एप्लीकेशन मनी का रहा होगा। ये 20,000 की एक्सेस एप्लीकेशन मनी उन्हीं लोगों की है जिनको कंपनी ने 1 लाख अंशों का आवंटन किया है। कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो ये 20,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है उनका पैसा इमीडिएटली रिफंड कर दे, या फिर ये कह सकती है कि जब हम आपसे क्या मांगने आएंगे, अलॉटमेंट, यार ये पैसा हमारे को एडजस्ट करके दे देना। इसे कहते हैं यथा अनुपात बंटन तथा आधिक्य आवेदन राशि का अन्य मांग राशि अर्थात आवंटन या अन्य मांग राशि पर समायोजन। बात समझ में आई? किसी भी स्पष्ट सूचना के अभाव में ये माना जाएगा कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी उन अंशधारकों की जिनको कि अंश जारी किए गए हैं वो लौटाई नहीं जाती, बल्कि उनका पैसा आगे आने वाले कॉल आवंटन पर क्या कर दिया जाता है, एडजस्ट। क्या कर दिया जाता है, एडजस्ट। आइए आपको बात समझ, पक्का एक इलस्ट्रेशन से ये वाला टॉपिक कवर करूंगा बेटा, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 7। अगर किताब है तो किताब में देखिए, नहीं है तो स्क्रीन पे देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 7, आसान क्वेश्चन है लेकिन इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन है। देखिए बेटा, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 7। नाम क्या है कंपनी का, JHP लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ, बेटा ये रुपीट का रुपी गलत दिया हुआ है, रुपए नहीं है ये, ऑफ 10 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कंपनी की अंश पूंजी 10 लाख हिस्सों में विभाजित है और प्रति अंश मूल्य कितने रुपए का है, ₹10 का, यानी टोटल शेयर कैपिटल कितने हो गई, 1 करोड़ रुपए, ऑफ विच 6 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड एंड फुल्ली पेड ऑन विच डेट, 30 जून 2020। 10 लाख अंशों में से कंपनी ने जो 6 लाख अंश पहले जारी कर रखे थे वो 30 जून 2020 तक आते आते क्या हो गए थे बेटा, फुल्ली पेड, मतलब जितना पैसा मांगा था उतना पूरा पूरा पैसा कंपनी को मिल चुका था। अब कितने अंश और जारी कर सकती है, 4 लाख। द कंपनी प्रपोज्ड टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ हाउ मैनी शेयर्स बेटा, 1 लाख ऑफ दीज 10 शेयर्स एट ए प्राइस ऑफ ₹14 ईच। कंपनी बाकी बचे हुए 4 लाख में से कितने अंश जारी कर रही है, 1 लाख, जिसका फेस वैल्यू कितने का है लेकिन इशू प्राइस कितने की है। द अरेंजमेंट फॉर पेमेंट बीइंग, अरेंजमेंट कैसे दिया गया, नंबर ए ₹2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड ऑन 1st जुलाई 2020, 14 में से ₹2 आप कहाँ दे देना, एप्लीकेशन पे। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जुलाई 2020 एंड ए फर्दर ₹5 पर शेयर, और अलॉटमेंट पे कितने मांगे गए, 5 इंक्लूडिंग द प्रीमियम। बेटा ₹10 का शेयर था, इशू कितने पे कर रही है, प्रीमियम कितने का, यानी इस ₹5 में ₹4 का यदि प्रीमियम है तो पूंजी ₹1 की रही होगी, अलॉटमेंट नहीं, पूंजी ₹1 की रही होगी, अलॉटमेंट तो कितने का है, पूंजी कितने की, प्रीमियम कितने का, बात समझ में आ गई। आगे बोलता है द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड बाय 30th अप्रैल 2020। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे पैसा बाद में मांगा जाएगा। अच्छा, ₹14 में से 2 + 5 ₹7 ले लिए गए बेटा, कितने पैसे बचे, ₹7 ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगे गए होंगे, एम आई राइट बेटे। अब आगे देखिए,
एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 3,55,000, बताओ। मैंने कल बोला था ना बेटा, कंपनी शेयर इशू करती हजारों में, संख्या आती करोड़ों में, यानी कि ऐसी कंपनी जिनका फाइनेंशियल बहुत अच्छी मजबूती है, बहुत अच्छी गुडविल है उनके डिमांड में, HDFC ग्रुप हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, स्टेट बैंक हो गया, तो ये किसी भी तरह का अपनी किसी कंपनी का पब्लिक ऑफर लाएंगे तो हर व्यक्ति उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहेगा ना बेटा। ठीक है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3,55,000 शेयर्स एंड वर डील विद एज फॉलोअर्स। आपने उसको कैसे डील किया बेटा? जिन अंशधारकों ने कितने अंशों के लिए आवेदन किया था? 5,000 शेयर रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। इसने 5,000 शेयर मांगे, मैंने उसको 5,000 शेयर दिए। हाँ ना में जवाब देना है। क्या इसका कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी मेरे पास रहा होगा क्या? ठीक है बेटे, एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स, जिन अंशधारकों ने कितने अंश मांगे थे? 30,000 रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर। जिन लोगों ने 30,000 अंशों का आवेदन मुझे दिया था, मैंने उनको यथानुपात बंटन कैसे किया? मांगे जिसने 2, उसको मैंने दिया 1 शेयर। तो बता सकते हैं 30,000 वालों को कितने दिए होंगे? 15,000। तो बेटा 30,000 का आवेदन पत्र मुझे प्राप्त हुआ होगा और मैंने अंशों का आवंटन मात्र 15,000 का किया होगा, तो 15,000 एक्सेस एप्लीकेशन रही होगी और प्रति एप्लीकेशन कितना मिला था? 2 रुपये। तो 15,000 गुना 2 किया तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 30,000 आ गई होगी। आगे लिखता है, नो मनी वॉज रिटर्न टू दिस एप्लीकेंट, मतलब जो एक्सेस पैसा था वो रिटर्न नहीं किया गया, बल्कि सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जबकि इनसे अलॉटमेंट जो पैसा मांगा जाएगा उसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिड्यूस कर दिया जाएगा, यानी एडजस्ट कर दिया जाएगा। यस नो बोलिए, समझ में आई बात? आगे, एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड। जिस व्यक्ति ने 4 शेयर मांगे उसको दिया कितना? 1। तो बताइए, जिन्होंने 3,20,000 मांगा होगा डिवाइड बाय 4 कर दें तो 80,000। अच्छा, टोटल अलॉटमेंट कंपनी कितने शेयर का कर सकती थी? उसमें से 5,000 तो इसको चले गए, 15,000 इसको चले गए, हो गए ना 20, 80 चले गए इसको। तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। आई बेटे बात समझ? आगे कहता है, ध्यान से पढ़ना बेटा, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी। जो पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता था वो तो पैसा कंपनी ने अपने पास रख लिया। द एक्सेस बींग रिटर्न टू द एप्लीकेंट, और जो भी एक्सेस पैसा था वो कंपनी ने क्या कर दिया बेटे? रिटर्न कर दिया, यानी रिफंड कर दिया, मतलब फर्स्ट कॉल पे कोई पैसा एक्स्ट्रा एडजस्ट नहीं किया। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव बाय द कंपनी ऑन ड्यू डेट। You are required to record these transactions, including cash item, in the journal of JHP Limited. बेटा आपने 12वीं कक्षा में एक टेबल बनाई होगी, याद है? इतने आए, इतने अलॉट किए, इतना एक्सेस एप्लीकेशन मिला। ये नाटकबाजी कब होती है बेटा? जब कंपनी आवेदक अंशों को कुछ श्रेणियों में क्या करती है? अलॉट करती है। मान लीजिए यहाँ पर कैटेगरी होती नहीं, कंपनी कहती 3,55 में से 2,55 में से 1,55,000 तो रिजेक्ट कर दिया और बाकी के बचे हुए को इतने शेयर दे दिए। मतलब एक ही कैटेगरी वालों को एक ही तरह के शेयर दिए होंगे। यहाँ पे कैटेगरी 1 बनी, 2 बनी, 3 बनी, इसमें हम लोग जो शेयर्स का अलॉटमेंट है वो श्रेणीबद्ध तरीके से टेबल बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, करें शुरू। कॉपी खोलो, लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 7। Table showing allotment of shares and money received and adjusted on allotment. Table showing allotment of shares and money received
एंड एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट. कोई टिपिकल इंग्लिश थोड़ी है बेटा, साधारण लैंग्वेज थी. देखिए कंपनी जो अलॉटमेंट कर रही है उसका अपन लोग एक टेबल बना के प्रेजेंटेशन करते हैं. बेटा सबसे पहले तो अपन ये लिखते हैं कि कंपनी को टोटल एप्लीकेशंस रिसीव कितनी हुई होगी. लिखो एप्लीकेशन रिसीव्ड. फिर अलॉटेड शेयर्स. नेक्स्ट कैटेगरी में क्या आ गया बेटा, अलॉटेड शेयर्स. फिर आई एक्सेस एप्लीकेशन. कितनी एक्सेस एप्लीकेशन रही होंगी, शेयर्स की बात हो रही है ठीक है. फिर लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी. फिर ड्यू ऑन अलॉटमेंट. एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट. फिर रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. और फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा बेटा, रिफंड. सबने लिख लिया बेटे, आराम से लिख लिया. ये टेबल की नाटकबाजी कब होती है, जब कैटेगरी बनती है. पहली कैटेगरी में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने. लिख लिया सबने कैटेगरी नंबर पहली, कैटेगरी नंबर दूसरी, कैटेगरी नंबर तीसरी. बेटा फर्स्ट कैटेगरी में पहला कॉलम देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव्ड. देखो बेटे कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 5000. दूसरी कैटेगरी में एप्लीकेशन 30000. और फिर तीसरी कैटेगरी में 320000. अब प्रश्न तो पढ़ ही चुके ना, अब बार बार प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, दिमाग अपन को लगाना है. पहली कैटेगरी में जिन अंश आवेदकों ने 5000 अंशों का आवेदन किया था, क्या कंपनी ने उन्हें पूरे पूरे 5000 के 5000 शेयर अलॉट किए बेटा. दूसरी वाली कैटेगरी में जिन्होंने 2 मांगा उनको 1 दिया, तो जिन्होंने 30 मांगा उनको 15 दिया होगा. तीसरी कैटेगरी में जिन्होंने 4 शेयर मांगे कंपनी ने उसको 1 शेयर दिया, तो 3×20/4 बोले तो 80000. ओके बेटे, क्या पहले वाले कैटेगरी में कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन थी क्या, लेकिन दूसरी वाली में 30-15 रही होगी बेटा. तीसरी वाली कैटेगरी में 240000. अगले कॉलम की हेडिंग देखिए जरा क्या लिखा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी. मनी मतलब कितना पैसा आया बेटा. प्रति आवेदन पे कितने मिलने थे, 2 रुपए. तो बेटे पहले वाली कैटेगरी में जब कोई एक्सेस एप्लीकेशन ही नहीं था, तो एप्लीकेशन मनी भी नहीं रहा होगा एक्सेस. दूसरी वाली कैटेगरी में एक्सेस एप्लीकेशन थे 15000 और प्रति अंश था 2 रुपए, तो कितना रहा, 30000. और नेक्स्ट में 240×2=480000. आ गई सभी को बात समझ,
अब नेक्स्ट कॉलम देखिए क्या लिखा है, बहुत शांति से बताइएगा। कंपनी ने पहले वाली कैटेगरी में कितने अंशों का अलॉटमेंट दिया था? 5,000। पूरा बोलिए 5,000। और आवेदन पे प्रति अंश कितना मांग रही है? 5 रुपये। तो 5,000 गुना 5 करेंगे तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट 25,000 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब मेरे प्रश्न का जवाब दो। मैंने किसी कंपनी से अंश मांगे 30,000 थे और कंपनी ने मुझे अंश दिए ही 15,000 है, तो जब कंपनी मुझसे कभी भी अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का या सेकेंड कॉल का पैसा मांगेगी तो मेरे अप्लाई किए शेयर्स में मांगेगी या मुझे अलॉट किए शेयर्स में? बिल्कुल सही जवाब है। कैटेगरी नंबर सेकेंड में कितने शेयर्स अलॉट हुए? तो पैसा भी अलॉटमेंट का 15,000 शेयर्स में ही मांगा जाएगा। 15,000 गुना 5 बराबर 75,000। नेक्स्ट कैटेगरी में मांगे भले ही 3,000,000 थे, कंपनी ने अलॉट कितना किया था? 80,000। तो आवंटन का राशि भी 80,000 में ही मांगा जाएगा। 80,000 गुना 5 बराबर 4,00,000। ओके बेटे, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। क्या पहली कैटेगरी में कंपनी को कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है क्या? कोई भी मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं होगा। एम आई राइट? बेटा दूसरी कैटेगरी में कंपनी जब 75,000 का पैसा मांगेगी तो क्या आप उसकी जगह पर हो तो जो पैसे 30,000 रुपये आप कंपनी को ऑलरेडी दे चुके हो वापस दोगे क्या? तो आप कितना पैसा एडजस्ट करवा दोगे अलॉटमेंट पे? 30,000। बेटा कैटेगरी नंबर थर्ड में आपने कंपनी को पहले से कितने पैसे दिए हुए हैं? 4,80,000। कंपनी आपसे अलॉटमेंट पे क्या मांगने आएगी? 4,00,000। आप कंपनी को क्या बोलोगे? हम नहीं, तुझे हमारे को देना है, तो तुम 4,00,000 रुपए तो पूरे पूरे कहाँ एडजस्ट कर लो अलॉटमेंट पे, और बाकी के मेरे कितने पैसे बचे? 80,000, वो मुझे क्या कर दो? रिफंड। चलो ठीक है, अगला अमाउंट देखो क्या लिखा हुआ है कॉलम, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बेटा अपन ने मांगे कितने पैसे थे? क्या किसी प्रकार का कोई पैसा एडजस्ट हुआ? नो सर। तो पैसे मिलेंगे भी कितने? क्या कोई रिफंड बनेगा बेटा? नो सर। कैटेगरी नंबर सेकंड में अपने अलॉटमेंट पे कितने मांगे? 75,000। कितना एडजस्ट कर दिया? 30,000। कितने बचे? 45,000। क्या कोई पैसा रिफंड का बनता था? कैटेगरी नंबर थर्ड में मांगे कितने? 4,00,000। एडजस्ट कितने हो गए? क्या कोई पैसा मिलेगा? जबकि 4,80,000 में से एडजस्ट हो गए 4,00,000, तो 80,000 रिफंड हो जाएंगे क्या? वेरी गुड बेटा, बोला नहीं ना प्रश्न में, इसने क्या बोला कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी ही कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट पे रिटेन करेगी और बाकी का पैसा कंपनी रिफंड कर देगी। आई बात समझ? पक्का? ये देखो प्रश्न में लिखा, पढ़ो इसको, यहाँ से पढ़ो। वॉज रिटेन बाय द कंपनी द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट। समझ गए बेटा? चलिए इनका टोटल लगा के देखिए फटाफट। अरे सॉरी, इसका तो टोटल 1,00,000 और इनका टोटल था 3,55,000। ये टोटल 2,55,000, ये आई बात समझ। और अब हम इस टेबल से फटाफट अपनी जर्नल एंट्री बना सकते हैं बेटा। श्वेता एडजस्टमेंट में बेटा जितने एक्सेस अपने को मिले हैं उतने ही अपन एडजस्ट कर पाएंगे। चलिए कर लें जर्नल एंट्री पूरी। सबसे पहले कंपनी को क्या प्राप्त होती है बेटा? एप्लीकेशन मनी, पैसे मिलने की एंट्री बोलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट,
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, अंश आवेदित संख्या कितनी थी? 3,55,000। 2 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो क्या कंपनी को 7,10,000 रुपये का अमाउंट रिसीव हुआ होगा? नंबर टू, क्या कंपनी सारे पैसे अपनी पूंजी के मान सकती है? नो सर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,10,000। अच्छा, कैपिटल आवेदित अंशों की होती है कि अलॉटेड शेयर्स की होती है? अलॉटेड तो कितने शेयर हैं? 1,00,000। 1,00,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 2,00,000। कंपनी अलॉटमेंट पे पैसा क्या कैटेगरी नंबर 1 में कर पाई थी क्या बेटे? अलॉटमेंट का कोई भी पैसा, एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट कर पाई थी क्या अलॉटमेंट में? लेकिन सेकेंड कैटेगरी में कितनी कर सकी थी? 30,000। और दूसरे में कितना कर सकी थी? 4,00,000। यानी टोटल कितना एडजस्ट हो गया था? 4,30,000। समझे क्या? और कंपनी को बाकी के पैसे क्या करने पड़ गए थे? रिफंड, जो कितने थे? 80,000। जरा क्रेडिट का टोटल लगा के देखो, 7,10,000 हो गया बेटा। ये आपकी एंट्री कौन सी हो गई? एप्लीकेशन के मनी को कैपिटल में, अलॉटमेंट में और रिफंड करने की एंट्री। अगली एंट्री किसका पैसा मांगने की होगी? क्या ये क्वेश्चन प्रीमियम का था? हाँ सर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है बेटा, बोलो बोलो। अब अलॉटमेंट पे पैसा कंपनी 1,00,000 अंश धारकों से ही मांगेगी ना? प्रति अंश कितना था? 5 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 5,00,000। आप लिख देना मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लिख देना इक्विटी प्रेफरेंस जो भी हो। इक्विटी हो तो इक्विटी लिखेंगे, प्रेफरेंस हो तो प्रेफरेंस लिखेंगे। अच्छा बेटा, प्रीमियम 4 रुपए का था तो पूंजी कितने की होगी? 1 रुपए। 1 × 1,00,000 बराबर 1,00,000 की पूंजी, और 4 रुपए के हिसाब से 4,00,000 रुपए का प्रीमियम। आई बात समझ? अब अगली एंट्री पैसे बैंक में आने की होगी बेटे, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, अपने को मिलने चाहिए थे पहले तो 5,00,000, लेकिन क्या हम लोग 4,30,000 एडजस्ट करवा चुके हैं क्या? तो केवल कितने मिलेंगे? 70,000। ओके, अब कंपनी किसका पैसा मांगेगी? फर्स्ट कॉल का। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दो इसके आगे, सेकंड नहीं है बेटा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो, 2 + 5 = 7 रुपए तो अलॉटमेंट तक हो गए थे, 14 से मैं गवे से गए 7, कितने बचे? 7। 7 × 1,00,000 = 7। ओके, अब कंपनी को पैसे मिलेंगे बेटा फर्स्ट कॉल के? कोई भी पैसा यहाँ पर एडजस्ट नहीं किया गया और सारे के सारे पैसे हमारे को मिल गए बेटे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बताओ बेटा, क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? एक कॉन्सेप्ट भी हो गया, एक इलस्ट्रेशन भी हो गया।
ठीक है, अब तक हम लोगों ने कॉल्स इन अरियर पढ़ लिया, कॉल्स इन एडवांस पढ़ लिया, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा शेयर फॉर फ्यूचर। सुनना बहुत ध्यान से, शेयर फॉर फ्यूचर मतलब अंशों का हरण, अंशों का हरण। जब कंपनी को किसी अंशधारक से मांगे गए पैसे प्राप्त नहीं होते तो कंपनी द्वारा उस अंशधारक के अंशों को जब्त कर लिया जाता है। जब्त करना मतलब कि कंपनी को किसी पर्सन से पैसे लेने हैं और वो पैसा मांगे जाने पर भी कंपनी को पैसा नहीं दे रहा, कंपनी उसे 14 दिनों का एक प्रायर नोटिस देगी और ये कहेगी कि आपके पास 14 दिनों की अवधि है, अपना बकाया मांग राशि का भुगतान कर दीजिए, अन्यथा 14 दिन की समाप्ति पर आपके अंशों को हम फोरफिट कर लेंगे और जितना पैसा आपने हमारे को दे रखा है वो पैसा भी आपको लौटाया नहीं जाएगा और आपका नाम भी कंपनी के अंशधारकों की सूची में से हटा दिया जाएगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? बोलिए ना। यस सर। अब अपने को अंश पूंजी के फोर फीचर की एंट्री पास करनी है। बेटा आपने एक बात नोटिस की होगी, कंपनी की बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल होती है वो यही तो होती है जो शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रखी है आपने। आप देखिए, आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया हुआ है, बताओ कितने से? 2 + 1 = 3 + 7, आपकी शेयर कैपिटल कितने रुपए से क्रेडिटेड है? कितने अंशों पर क्रेडिटेड है? यानी पर शेयर कैपिटल 10 रुपए की है ना? बेटा जब कंपनी शेयर्स का फोरफीचर करती है तो जिस पर्सन ने कंपनी के शेयर्स का पैसा नहीं दिया होता कंपनी उसके खाते को समाप्त कर देती है, मतलब उसके खाते में जो भी पैसा होता है उसको क्लोज कर देती है, कैंसिल कर देती है। कंपनी की पूंजी में शेयर होल्डर का खाता नहीं होता, अंश पूंजी का खाता होता है। किसका होता है? अंश पूंजी। तो अंश पूंजी अभी आपने क्या कर रखी थी? कंपनी की पूंजी में अंश पूंजी कितनी क्रेडिट हो रखी थी? क्या हो रखी थी? क्रेडिट। मुझे इस खाते को यदि क्या करना हो तो जितना मैंने क्रेडिट किया है उतने से ही क्या कर दे, काम हो जाएगा अपना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंपनी ने 1 लाख अंश फोरफिट करने हैं या जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनके शेयर फोरफिट करने हैं, तो कितने अंशों की राशि से शेयर कैपिटल डेबिट होगी? पूरे अंशों से या जिन्होंने पैसा नहीं दिया उतने से? बात समझ में आ गई? आपको एंट्रीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो अपन सवाल के दौरान ही समझ लेंगे, तुम्हारे को रटी पड़ी है सारी एंट्री। जब कंपनी ऐसे शेयर्स का फोरफीचर कर रही हो जिनको कंपनी ने किस पर इशू कर रखा था या फिर किस पर इशू कर रखा था, डिस्काउंट पे तो इशू कर ही नहीं सकते। अगर कंपनी ने ऐसे शेयर्स का फोरफीचर किया जो कि सम मूल्य पर निर्गमित किए गए थे तो उनके फोरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है बेटा। और अगर कंपनी को ऐसे शेयर फॉरफिट करने पड़े जिनको कि किस पे निर्गमित किया गया था, प्रीमियम, तो एंट्री हुई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना बेटा, टू कॉल्स इन अरियर टू, लिख तो लिया अपन। लेकिन यहां पर ब्रैकेट में एक इंपॉर्टेंट बात आएगी, नंबर ऑफ शेयर। कॉल्ड अप कैपिटल, क्या लिखा अपन ने? कॉल्ड अप कैपिटल। यहां पर भी वही बात आएगी बेटा, मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है बेटा। और यहां पे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में रिसीव्ड। अगर कंपनी को क्या नहीं मिला होगा, प्रीमियम नहीं मिला होगा तो ही सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा, डेबिट, अदरवाइज सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। ऐसा क्यों बताऊंगा अभी, एक बार मेरे साथ वापस से एंट्री बोलिए। अच्छा कॉमन देखिए, आपको पार पर इशू हो और चाहे प्रीमियम पर हो, कैपिटल कॉल से नरियर फोर फीचर सेम दिखाई दे रहा है, कैपिटल कॉल से नरियर फोर फीचर सेम दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक नई बात क्या पढ़ ली अपन ने, नहीं तो देख के बोलेंगे, यदि अंशों का फोर फीचर उन अंशों का किया गया है जो सम मूल्य पर जारी थे। एंट्री बोलो बिना देखे,
शेयर कैपिटल अपॉन डेबिट टू ऑल इन हायर टू शेयर फोरफिट। प्रीमियम वालों को फोरफिट किया हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पॉलिसी हायर टू शेयर फोरफिट, है ना बेटा। प्रीमियम जब ही डेबिट होगा जब कंपनी को प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, यदि मिल गया होगा तो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम खाते को डेबिट नहीं करेगी। एम आई राइट बेटा? एक बात और, ये कॉल्स इन अरियर खाता तभी क्रेडिट होगा जब आपने इसे पुस्तकों में पहले से क्या कर रखा होगा। कल याद है मैंने आपको एक बात बताई, यदि कंपनी कॉल्स इन अरियर खाता ओपन करती है तो अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड कॉल का खाता क्लोज हो जाता है। सुन रहे हो मेरी बात? लेकिन कंपनी यदि क्या ओपन नहीं करती तो फिर अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो या सेकेंड कॉल हो, उनके खाते क्लोज नहीं होते। जैसे एंट्री बनाना मेरे साथ, कंपनी ने अलॉटमेंट पे 3 लाख मांगे और कंपनी को 20,000 नहीं मिले, मैं कहता हूँ कंपनी कॉल्स इन अरियर खाता खोलती है, बैंक अकाउंट डेबिट 2,80,000, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। देखो आपने अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख से डेबिट किया था, चूंकि तुमने कॉल्स इन अरियर खाता खोल लिया तो बैंक में 2,80 आ गया, कॉल्स इन अरियर में 20 आ गया, अलॉटमेंट 3 लाख आते ही ऊपर डेबिट 3 लाख, नीचे क्रेडिट 3 लाख, क्लोज हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन यदि कंपनी ने कौन सा खाता नहीं खोल रखा तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की एंट्री तो 3 लाख से हुई थी, लेकिन बैंक में पैसा 2,80,000 ही आया, तो अपन एंट्री पास करी बैंक अकाउंट डेबिट 2,80,000 टू शेयर अलॉटमेंट 2,80,000। अभी अलॉटमेंट डेबिट कितना था और क्रेडिट कितना किया 2,80,000, तो डेबिट बैलेंस रह गया कि नहीं रह गया। क्या समझे हम लोग समरी में? बोलेंगे यदि कंपनी द्वारा कॉल्स इन अरियर खाता खोला गया हो तो आवंटन प्रथम एवं अंतिम मांग राशि के खाते क्लोज हो चुके होते बेटा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो फोरफीचर में टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल नहीं लिखा, सीधे क्या लिखा, टू कॉल्स इन अरियर लिखा है। वही अपन ने कहाँ लिखा है, कॉल्स इन अरियर प्रीमियम वाले केस में। आई बात समझ? बोलो आगे, यदि कंपनी द्वारा कॉल्स इन अरियर खाता नहीं खोला गया हो तो आवंटन प्रथम एवं द्वितीय अंतिम मांग राशि का खाता क्लोज नहीं होता। तो बेटा जब इनका फोरफीचर जब करेंगे तो जो टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन लिखा है ना, उसकी जगह टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो भी बोला वो समझ में आया क्या? पक्की पक्की बात समझ में आई? अब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मेरा, उसको समझने की कोशिश करना। बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे क्या कॉल्ड अप अमाउंट लिखा है या कॉल्ड अप कैपिटल लिखा है, ठीक है बेटा? ध्यान सुनिएगा, कंपनी के दो अंशधारक थे, पहला अंशधारक, दूसरा अंशधारक। कंपनी ने एक्स को कितने शेयर जारी किए हैं और वाई को 1,000। दोनों को जो शेयर जारी किए उस अंश की फेस वैल्यू कितनी है? कंपनी ने एप्लीकेशन पे 2 रुपए, आवंटन पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए और सेकंड कॉल पे कितने, दोनों से ही ये 10 रुपए मांगती ना बेटा। एक्स ने कंपनी को क्या पे कर दिया, कंपनी को एक्स से क्या नहीं मिला, कंपनी को एक्स से क्या नहीं मिला, कंपनी बोली ये बदमाश है, ये सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं देगा, इसके शेयर तुरंत क्या कर लिए गए, फोरफिट। 2 रुपए किस पे थे, 3 रुपए किस पे थे, 2 रुपए किस पे थे, वाई की बात करते हैं। कंपनी ने वाई से क्या रिसीव कर लिया, कंपनी को वाई से क्या मिल गया, लेकिन इसने क्या नहीं दिया, इसने क्या नहीं दिया, बात समझ में आ गई। कंपनी ने 2 रुपए आवेदन के मांग लिए, मिल गए, 3 रुपए आवंटन के मांग लिए, मिल गए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के मांग लिए, नहीं मिले, 3 रुपए सेकंड फाइनल कॉल के मांग लिए, नहीं मिले। मैं जोर डाल रहा हूँ मांग लिए, कॉल्ड अप पे जोर डाल रहा हूँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, कंपनी ने इसके शेयर को 2 रुपए की शेयर कैपिटल, 3 रुपए की शेयर कैपिटल,
2 रुपए की शेयर कैपिटल यानी 7 रुपए की शेयर कैपिटल से ही क्या किया होगा? नहीं सुनाई दिया मुझे? बात समझ में आई? लेकिन कंपनी ने वाई के केस में 2 रुपए की शेयर कैपिटल, 3 रुपए की शेयर कैपिटल, 2 रुपए की शेयर कैपिटल, 3 रुपए की शेयर कैपिटल, 10 रुपए से शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा। आई बात समझ? अब कंपनी द्वारा जब एक्स के शेयर क्या किए जाएंगे? फोरफेट। बताइए बेटे, मैं इसके केस में 500 अंशों को 10 रुपए से मल्टीप्लाई करूं या 7 से? अब वो फॉर्मूला देखिए बेटा, क्या लिखे थे अपन? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई कॉल्ड अप कैपिटल। छोटा सा एग्जांपल सामने आ गया ना? ये पढ़े थे बारे में आप लोग? इधर आ जाओ। वाई के शेयर्स अगर बात करेंगे तो कितने शेयर है इसके? 7, 5, 2, क्यों 10? दो तरीके से, एक तो आप बोल रहे हो मांग लिए, एक आप बोल रहे हो कि शेयर कैपिटल क्रेडिट भी कितने से हुई थी, तो मल्टीप्लाई भी किससे होगा? आई बात समझ? चले अब इसके अपन फोरफीचर की एंट्री पास करते हैं। चलो एक्स के शेयर फोरफीट करेंगे बेटा, एंट्री बनाना सब लोग मेरे साथ साथ। मान लो कंपनी क्या खाता खोलती है? कॉल सेन अरियर खाता खोलती है। फिर मानेंगे कंपनी कॉल सेन खाता नहीं खोलती, पहले एक्स की बात करेंगे। एंट्री बनाए बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं इसके? कितने मल्टीप्लाई करो? 7। मान लीजिए कंपनी क्या खोलती है? कॉल सेन। अच्छा, कंपनी को इससे क्या क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, 3 + 2 5 रुपए नहीं मिले, 500 अंशों। तो बाकी का मिल गया, मेरी बात भी सुन लो, बाकी का मिल गया होगा, तो जितना पैसा मिला है वही पैसे फोरफिट करेगी कंपनी। तो 1000 कंपनी इसके फोरफिट कर चुकी। लेकिन अगर कंपनी ने कौन सा खाता नहीं खोला होता तो वही 500 × 7 बराबर। अच्छा, क्या क्या नहीं मिला? आई बात समझ? यहाँ पे कितना? 1500। यहाँ पे हो गया ना वही 2500, कितने आ गए? आई बात समझ? ऐसी पंचायती किसमें हो जाएगी? समझे? अगर वाई ने कंपनी को प्रीमियम दे दिया होगा तो फिर डेबिट में क्या नहीं आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। यदि वाई ने कंपनी को प्रीमियम नहीं दिया होगा तो डेफिनेटली क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। अगली बात समझ। और अब सबसे इम्पोर्टेंट, शेयर फोरफीचर खाते को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया। बेटा शेयर फोरफीचर खाते को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। This is the entry we need to pass. Share for feature account debit to capital reserve account. Okay? एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, दोगे जवाब? एक कंपनी ने X के 2000 अंश जो है वो फोरफीट किए। कंपनी ने उससे पैसे कितने मांगे थे? कंपनी को उससे कितने पैसे मिल गए थे? कितने नहीं मिले थे? तो कंपनी ने 2 रुपए फोरफिट किए होंगे कि 8 रुपए? शाबाश, फोरफिट किए होंगे 8 रुपए। 2000 अंशों पे प्रति अंश 8 रुपए के हिसाब से 16000 की कमाई हो गई होगी। रुको अभी, कंपनी द्वारा इन्हीं 2000 अंशों को पुनर्निर्गमित कर दिया गया, और पुनर्निर्गमन किया गया कितने रुपए का? शेयर था कितने रुपए का? था 10 का, और पुनर्निर्गमन कर रही है, घाटा कितने का लगा? गुणा नुकसान बोलिए बेटा, अपने कमाए कितने, घाटा कितना खाया? 16 - 2 = एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। छोटी सी बात ही, फटाफट समझ में आ गई। लेकिन अब प्रश्न थोड़ा चेंज कर रहा, आपको पता ही, मैं क्या करने वाला हूँ? क्या कम शेयर रीइश्यू कर दूंगा? अभी कंपनी ने 2000 शेयर फोरफिट किए थे क्या, और कमाई कितनी करी थी? 16000।
कितने हजार? 16,000। कंपनी इन 2,000 अंशों में से कितने अंश रीइशू कर रही है? 1,500। 10 रुपए वाला शेयर 9 में इशू करे तो घाटा बोलिए 1 रुपए। समझे बेटे? 1500 × 1=1,500 हो गया यार। कमाई कितनी हुई यार? घाटा कितना हुआ यार? 14,500 चले गए कैपिटलिज्म में। अरे क्या बात कर दी, चले गए ना यार। अरे यार अभी तो, अरे ते कुछ नहीं पता है, मेरे को पता है सब कुछ। 16,000 कमाए, 1500 घाटा लगाए, चले गए 14,500। चैप्टर खत्म, होमवर्क कर लाना। क्वेश्चन गलत कर दिया क्या मैंने? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, मैंने 16,000, सब बच्चे बोलेंगे 16,000 की कमाई कितने अंशों पे करी है? क्या मैं घाटा 1500 अंशों का मैच कर पाऊंगा क्या? यदि मैं, अच्छा पहले वाले केस में क्या हो रहा था बेटा, मैं कमाई कितने रुपए की कर रहा था? कितने अंशों पे? और घाटा कितना खा रहा था? कितने अंशों पे? कमाई और नुकसान दोनों सेम अंशों पे मैच हो रहा था कि नहीं? अब की बार नाटक ये हो गया कि आपने कमाई कितने रुपए की करी है, कितने अंशों पे, और घाटा कितना खाया? 15। तो लफड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो पहले अपन करेंगे कि 16,000 की कमाई चूंकि, क्या बेटे, चूंकि 2,000 अंशों पे हुई तो 1500 पे कितने की होगी? 12,000। जिसको नहीं समझ आया रेज योर हैंड। सबको समझ आ गया? वापिस समझ ले बेटा, कितने की कमाई करी अपन ने, कितने अंशों पे करी? एक अंश पे कितनी करी होगी? 8 रुपए। तो 1500 पे कितने की होगी? गुणा 1500 = 12,000। आ गई बात समझ? ये 12,000 कितने अंशों की कमाई निकल आई, और इतने ही शेयर अपन ने क्या किए हैं? रीइशू। और एक शेयर पे घाटा कितना खाया? 1 रुपए। तो इसमें से सीधा सीधा अब 1500 लेस कर दो बेटा। अब आंसर बताओ, पहले तो मैं कितना बोल रहा था? 14,500। अब मैं कितना बोल रहा हूँ? दोनों में से कौन सा आंसर सही है? समझ में आई क्या मेरी बात? ये तो वही वाली बात हुई कि मैंने 10 पेन खरीदे 100 रुपए में। 10 पेन खरीदे 100 रुपए, यानी एक पेन कितने में खरीदा? मैंने 10 के 10 पेन 10 के 10 200 में बेच दिए। तो 200 मेरी इनकम, 100 मेरा खर्चा, मेरा प्रॉफिट 100 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं कहानी चेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा मैंने 10 पेन 100 रुपए में खरीदे, यानी एक पेन कितने में खरीदे? इन 10 पेन में से 8 पेन, कितने पेन? अब मैं 200 में बेच रहा हूँ, क्या मैं 200 रुपए की कमाई में से 100 रुपए का लागत लेस करूँगा? 8 पेन का लागत लेस कर। अब समझ में आ गया बेटा कि मैंने कमाई कितने रुपए की करी थी, कितने अंशों पे करी थी? तो पहले कितने अंश पे आ गया? एक अंश पे कितना आ गया? 8 रुपए। और मैं कितने अंश निर्गमित कर रहा हूँ? 1500। तो मैंने कितने पैसे कमाए, और मेरे को घाटा भी कितना लगा? 1500। तो मेरे नेट में इनकम कितनी आ गई? 10,500। आई बात समझ? ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया बेटा। क्या कर लिया? डिस्कशन। कल मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपको करवाऊंगा, उसकी चर्चा अपन लोग कल करेंगे। जाते जाते वो प्रश्न जो है वो एक बार कॉपी में लिख जाओ बेटा, लिखो कॉपी में। कल ये प्रश्न क्लास में करेंगे। ये कर लिया तो लाइव झंगा लाला, ठीक है? चुपचाप लिख ले। लिखो, आता था ना ऐड, आते थे टाटा स्काई, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइट जिंगा। होप टीवी देखा है। लिखो बेटे, इंग्लिश में लिखाऊं प्रश्न? आएगा इंग्लिश में? लिखो, अ कंपनी, 5 मिनट ऊपर लगेंगे बोलते बोलते, ठीक है? बाकी सर मेरी बात उनकी क्लास है ना। लिखो, अ कंपनी इशूड, बहुत आराम आराम से लिखिए बेटे, जल्दबाजी को जरूरत नहीं है। अ कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स, 1 लाख, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, ऑफ ₹10 each। बोर्ड पे देखिए एक बार, आपको पता है ना एट द रेट इसे ही बोलते हैं, एट द रेट ₹12
A company issued 1 lakh shares of rupees 10 each, 10 रुपए का शेयर है, एट द रेट रुपीज 12 पर शेयर. बता सकते हैं प्रीमियम कितना होगा? 2 रुपए. ओके. ऑन एप्लीकेशन 2 कॉमा ऑन अलॉटमेंट रुपीज 5 ऑन एप्लीकेशन 2 2 रुपए कॉमा ऑन अलॉटमेंट रुपीज 5 कॉमा फर्स्ट कॉल 2 फर्स्ट कॉल पे कितना बेटे 2 एंड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल रुपीज 3 वर कॉल्ड अप. कॉल्ड अप का मतलब होता है मांगा गया था. फुल स्टॉप. लिखो कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 शेयर्स 1,50,000 शेयर्स आउट ऑफ विच. बेटा मैंने बोला इशू तो कितने किए 1,00,000 और आवेदन प्राप्त हुआ 1,50,000 तो अधि आवेदन हो गया ना बेटा अधि आवेदन जैसे बोलते. आउट ऑफ विच शुरू से बोलो कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 1,50,000 बेटा 1,50,000 शेयर्स देख लिया. आउट ऑफ विच यानी मतलब इनमें से 30,000 30,000 30,000 एप्लीकेशंस 30,000 एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड. बेटा रिजेक्ट का मतलब होता है कंपनी द्वारा सॉरी बोल दिया गया. ऐसे 30,000 एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड एंड देयर एप्लीकेशन मनी एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड. बेटा रिफंड मतलब जितना पैसा इनका इनसे अपने को मिला था उतना पैसा अपन इनको रिफंड कर दिया. आई बात समझ? चलिए आगे चलिए. रिमेनिंग एप्लीकेशंस रिमेनिंग एप्लीकेशंस अब बेटा रिमेनिंग कितनी बची 1,20,000 रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर अलॉटेड शेयर्स ऑन बोर्ड पे देखना बेटा एक बार वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस PRO RATA basis जैसे हिंदी में कहते हैं यथानुपात बंटन ऑन प्रोराटा बेसिस फुल स्टॉप. लिख दिया बेटा. नेक्स्ट लाइन में आ जाओ. राहुल कॉमा एन एप्लीकेंट. बेटा एप्लीकेंट का मतलब आवेदक. राहुल एन एप्लीकेंट ऑफ 6,000 शेयर्स कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल could not pay allotment and first call and his shares
एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड FOREFEITED were forfeited and his shares were forfeited. कुछ समझे बेटा? राहुल ने 6000 अंशों का आवेदन किया था, ध्यान रखिएगा. खैर आपको ध्यान नहीं रखना, ध्यान तो मैं कल दिलाऊंगा आपको. इतना समझ में आएगा कि मैंने आवेदन लिखवाया है. अंश जितने निर्गमित किए वो नहीं बताएं, बताया किसने आवेदन किया था. उसने क्या क्या नहीं दे सका? वो अलॉटमेंट नहीं दे सका और फर्स्ट कॉल नहीं दे सका. और कंपनी ने उसके शेयर को सेकंड कॉल से पहले ही क्या कर लिया? फोरफिट. आज मैंने आपको वो एक्स और वाई वाला पॉइंट बताया था ना बेटा, कि कंपनी ने इसे क्या नहीं मांगा था, इससे कंपनी ने सारे पैसे मांग लिए थे. समझे बेटा? नेक्स्ट लाइन से लिखो. अजय अ शेयर होल्डर, अजय अ शेयर होल्डर ऑफ 3000 शेयर्स. अब कुछ तो तुम्हारे को राहुल और अजय में अंतर दिखाई दे रहा होगा. राहुल तो है बेटा आवेदक 6000 अंशों का. यहां पे मैंने अजय को सीधे अंशधारक बना दिया 3000 का. दोबारा बोल देता हूं, अजय अ शेयर होल्डर ऑफ 3000 शेयर्स कुड नॉट पे, कुड नॉट मतलब नहीं कर सका, कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल. तो वो क्या क्या नहीं दे पाया? फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया और सेकंड, लेकिन क्या दे दिया होगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट. मतलब कि राहुल के जब शेयर फोरफिट करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया. और सूचना के अभाव में यदि प्रीमियम कहीं ना लिखा हो तो आवेदन पे आवंटन पे मांगते हैं. अजय ने देखो क्या नहीं दिया, केवल मतलब इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया होगा. मतलब जब मैं अजय के शेयर फोरफिट करूंगा ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा. समझे मेरी बात? यहाँ देख लिया अपन ने. नेक्स्ट लाइन से लिखो. आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स Out of the forfeited shares, forfeited का मतलब जितने शेयर अपन ने जब्त किए थे. Out of the forfeited shares, 5,500 shares were reissued at the rate rupees. were reissued at the rate rupees 8 per share, 8 rupees, fully paid up, 8 rupees per share fully paid up. बेटा मैंने बोला 8 रुपये पे निर्गमित किया है. शेयर का अंश पूंजी कितना था? 10 रुपये. और निर्गमन कितने पे कर रहा हूँ पूंजी? यानी दो का डिस्काउंट दिया मैंने, फुल स्टॉप कर दिया. These reissued shares, क्वेश्चन चल रहा है बेटे अभी. दीज री इशूड शेयर्स, अच्छा मैंने कितने शेयर री इशू किए? दीज री इशूड शेयर्स इंक्लूड्स ऑल द शेयर्स, इंक्लूड्स ऑल द शेयर्स ऑफ अजय. हाँ, तो बाकी के 2500 राहुल के. समझे क्या? बारहवीं कक्षा में ऐसा एक क्वेश्चन आपने किया होगा, इसमें पूरी कंपनी के लगभग समायोजन हो गए होंगे. तो मैंने वही कोशिश करी, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट. अब मेरे को लगता है तुमको एंट्री वेंट्री तो तुम कर लोगे, बैलेंस शीट में दिक्कत आएगी. खैर तुम घर पे ट्राई करो तो ठीक, नहीं ट्राई करो तो ठीक बेटा, मैं तो कल कराऊंगा ही कराऊंगा.
हाँ, गिव जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। नाराज क्यों हो रहा है यार? मैं कराऊंगा बोला ना। तुम्हारी इच्छा हो तो ट्राई करना बेटा। अब वही इच्छा, वो जिसकी इच्छा होगी वही करेगा और वही कर पाएगा जिसको थोड़ा बहुत पता है बेटा। ट्राई करके आइएगा, आपका आंसर मेरे आंसर से मैच किया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है, पता चलेगा कहाँ गलती करी अपन ने। कल मिलेंगे, ठीक है? चलो एंजॉय। Thank you.